से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की खबर है बहावल नगर से। बहावल नगर अलखिदमत फाउंडेशन के जेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हॉल में तकरीब इनेकाद। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर काशिफ खाकवानी, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा बासित सरवर और नायब सदर इमरान जैदी समेत अलखिदमत के ज़िले सरपरस्त और बहावल नगर के सीनियर उस्ताद प्रोफेसर शफीक अहमद, डायरेक्टर अलखिदमत सैयद मसूद इकबाल शाह, ज़िले सदर अलखिदमत फाउंडेशन इरफान अहमद भट्टी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर वकला ने अलखिदमत की काविशों को सराहा। ज़िले सदर अलखिदमत फाउंडेशन इरफान अहमद भट्टी ने अलखिदमत की सरगर्मियों पर रोशनी डाली और सैलाब से होने वाले नुकसान से आगाह किया। उन्होंने बताया कि अलखिदमत ने ज़िला भर से सैलाब मुतासरीन के लिए 1.25 करोड़ रुपये की रकम रवाना की है। प्रोफेसर शफीक अहमद ने इस अज़म का इजहार किया कि जिस तरह से बहावल नगर के तालीमी माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की, इसी तरह हम अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से शहर की तामीर और मुस्बित सरगर्मियों के फ़रोग के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बादजां अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक माजूर अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गईं।